हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके ही अपने चैनल फैंटासी लकी 11 पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें आपको वीडियो में मिलने वाली है। नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आप लिखते लिखते थक जाओगे। दोस्त, वीडियो को भगाने की कोशिश मत करिएगा, हो सकता है कुछ मेन पॉइंट आप मिस कर दो जो आपके लिए हेड टू हेड में, ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों, अगर लाखों जीतना है तो थोड़ा सी टाइम तो अच्छी क्वालिटी का देना होगा, जिसकी वजह से बेनिफिट आपको ही होगा दोस्तों, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सारे दोस्तों को थैंक्स कहता हूँ जो मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले पॉइंट्स के ऊपर। पहला पॉइंट्स है मैच डिटेल्स। जैसा कि मैंने बताया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला टेस्ट इंडिया के अंदर खेला जाने वाला है। इंटरनेशनल टेस्ट मैच शुरू लगभग हो गया है 2021 के अंदर। बहुत ही खुशखबरी की बात है। और बताया ये जा रहा है कि ये सीरीज़ के अंदर क्राउड भी अलाउ होंगे, बट कब होंगे, क्या होंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैच खेला जाएगा ये चेन्नई के अंदर, MA चिदंबरम स्टेडियम के अंदर मैच खेला जाएगा। और मैच शुरू होगा 5 तारीख को, फरवरी की फ्राइडे से मैच शुरू हो जाएगा लगभग, और इंडिया के टाइम के हिसाब से 9:30 बजे आप मैच देख सकते हो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शेड्यूल की। शेड्यूल मैं आपको यहां पर बता देता हूं। लगभग इंग्लैंड टूर कर रहा है इंडिया का, 4 टेस्ट मैच यहां पर वो खेलने वाला है, 3 ODIs भी है और 5 T20 आईज भी है। दोस्तों, लगभग ये पूरा शेड्यूल बना हुआ है 5 फेब से 28 मार्च तक का। दोस्तों, तो लगभग काफ़ी अच्छा टूर है और काफ़ी मज़ा आने वाला है, और दोनों ही टीमें काफ़ी तगड़ी है, और रिसेंट परफॉर्मेंस भी दोनों का मैं दिखाऊंगा क्या है अपने पास और क्या निकल कर बेस्ट चीज़ें आने वाली है आपके लिए, हम सब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले टेस्ट खेला जाने वाला है, तो टेस्ट के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, लगभग 4 टेस्ट मैच खेले जाने वाले हैं, 2 टेस्ट मैच एक ही ग्राउंड में होंगे, जिसके अंदर कहा यह जा रहा है कि सेकंड टेस्ट के अंदर 50% क्राउड अलाउड होगा। ओके दोस्तों, उसके अलावा बात कर लूँ, अहमदाबाद का एक टेस्ट मैच है, जो 3rd टेस्ट मैच है वो डे नाइट खेला जाएगा। दोस्तों, यहां पर भी क्राउड अलाउड होगा, ऐसा न्यूज़ में बताया जा रहा है। दोस्तों, लगभग टोटल 4 मैच खेले जाने वाले हैं, 2 टेस्ट मैच एक ही ग्राउंड में होंगे और 2 टेस्ट मैच एक ही ग्राउंड में होंगे। दोस्तों, ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं लाइव स्ट्रीमिंग की। लाइव स्ट्रीमिंग का यहाँ पर ब्रॉडकास्ट का जो राइट्स है फिलहाल स्टार स्पोर्ट्स के पास है, और अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर लाइव मैच कवरेज इसका किया जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं अब स्टेडियम के बारे में, क्या रहा है इसका हिस्ट्री, तो मैं यहाँ पर बता दूँ। यहाँ पर लगभग 32 टेस्ट मैच खेले गए हैं, पहले बैटिंग करने वाली टीम 10 बार जीती है और सेकंड बॉलिंग करने वाली टीम यहाँ पर 10 बार जीती है। दोस्तों, एवरेज यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने बताया है इनिंग वाइज टेस्ट में कैसा रहता है। दोस्तों, हाईएस्ट रन यहाँ पर मारा है, स्कोर यहाँ पर 750 रन मारे हैं इंडिया ने, किसके सामने, इंग्लैंड के ही सामने, और हालांकि इंग्लैंड ही यहाँ का दौरा कर रही है। दोस्तों, और लोएस्ट स्कोर की अगर बात कर लूँ तो वो भी इंडिया का ही है, इंग्लैंड ने ऑल आउट किया है इंडिया को 83 रन के अंदर भी। दोस्तों, तो सबसे बड़ा स्कोर भी इंडिया का है और लोएस्ट स्कोर भी इंडिया का ही है दोस्तों, इस ग्राउंड के ऊपर। ओके, अब मैं आपको एक अच्छी इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ इस ग्राउंड से रिलेटेड। तो इंग्लैंड ने लास्ट टेस्ट यहाँ पर खेला था इस ग्राउंड के अंदर 2016 में, रिजल्ट क्या रहा था मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इंडिया ने जीत लिया था 75 रन से मैच पूरा। अब कैसी इनिंग रही थी वो यहाँ पर मैंने बताई है। दोस्तों, इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर 450 प्लस रन मारकर ऑल आउट हो गई थी, और इंडिया ने यहाँ पर सबसे बड़ा स्कोर मारा था 750 का 7 विकेट पर। जवाब में इंग्लैंड सेकेंड इनिंग में 207 पर ही ऑल आउट हो गई थी। दोस्तों, तो ये था रिकॉर्ड जो लास्ट में 2016 में जब यहाँ पर इस ग्राउंड पे खेला गया था, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको हेल्प करेगा किस तरीके से टीम का परफॉर्मेंस रहा है पास्ट में।
अब बात कर लेते हैं दूसरा टेस्ट। दूसरा टेस्ट यहाँ पर इंग्लैंड ने लगभग खेला था 2008 में, तब भी इंडिया ने जीत लिया था 6 विकेट से मैच। और इनिंग वाइज अगर मैं आपको बताऊँ तो इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की थी, 316 पर ऑल आउट हो गई थी। फिर इंडिया बैटिंग पर आई, इंडिया ऑल आउट हो गई थी 241 पर। फिर इंग्लैंड ने सेकेंड इनिंग में टारगेट दिया इंडिया को और 311 रन मार दिए थे 9 विकेट खोकर। फिर सेकेंड इनिंग में यहाँ पर 387 रन आराम से चेस कर लिया था इंडिया ने दोस्तों। तो ये दो मैच का मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड मिला है, आपसे शेयर किया है, आई होप आपको काम में आएगा। अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट भी यहाँ पर मैंने बहुत डीपली निकाली है यहाँ से आपके लिए, ताकि आप पूरी तरीके से समझ जाओ किस तरीके से समा रहता है यहाँ पर पिच का। टेस्ट खेल रहे हैं तो बहुत ही बारीकियों पर ध्यान देना होता है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ लास्ट 5 मैच के हिसाब से हम यहाँ पर पिच को एनालाइज करेंगे। लास्ट 5 मैच की अगर मैं बात कर लूँ तो 4 इनिंग के हिसाब से फर्स्ट इनिंग में एवरेज यहाँ पर 376 रन का रहता है। उसके बाद में सेकेंड इनिंग की बात कर लूँ तो 473 का रहता है। लास्ट 5 मैच की ये बात हो रही है दोस्तों, ओवरऑल लगभग सारे मैच की बात नहीं हो रही है, ओके ध्यान में रखिएगा। थर्ड इनिंग की बात कर लूँ तो 218 है और उसके बाद में बात कर लूँ एवरेज तो 87 का नज़र आ रहा है, मतलब चौथी इनिंग काफ़ी मुश्किल यहाँ पर नज़र आ रही है। अब यहाँ पर देख लीजिए मैंने कुछ ये डेटा निकाला हुआ है, क्यों है ऐसा, क्या है। अब यहाँ पर आप अगर पढ़ोगे, इंग्लिश आपको समझ में आती है तो आप पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज मैं सिंपल हिंदी में भी इसको बता देता हूँ कि कैसा यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि पहले जो पहला दिन और पहली फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग और जो होती है वो बैटिंग के लिए बहुत अच्छी होती है दोस्तों। इवन थर्ड इनिंग भी बहुत अच्छी होती है उन लोगों, उन बैट्समैन के लिए जो स्पिन को बहुत अच्छा खेल लेते हैं दोस्तों। तो जो स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं उनके लिए थर्ड इनिंग भी बहुत अच्छी जा सकती है दोस्तों। अदरवाइज़ यहाँ से अगर मैं बात कर लूँ तो पिच स्पिनर को काफ़ी हेल्पफुल होती है सेकेंड थर्ड इनिंग फोर्थ इनिंग। अब बात कर लेते हैं टॉस फैक्टर की। टॉस फैक्टर कैसा रहेगा? टॉस फैक्टर ऐसा है कि टॉस जीतने वाली टीम हमेशा से यहाँ पर पहले डिसाइड करती है कि वो बॉल करे। और यहाँ पर देखा भी गया है कि फर्स्ट इनिंग में कम से कम रन पर ऑल आउट करके सेकेंड इनिंग में बहुत बड़ा मार्जिनल टारगेट दे के फिर थर्ड इनिंग में ऑल आउट किया जाए, ऐसा अक्सर टीम सोचती है, जिसकी वजह से टॉस जीतने पर यहाँ पर बॉलिंग लेना पसंद करती है दोस्तों। आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे। एवरेज वाइज यहाँ पर मैंने रन बता दिया है पिच का कैसा रहता है, उसके हिसाब से यहाँ पर सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और आप पॉज करके वीडियो को पढ़ भी लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रिसेंट लास्ट सीरीज़ के दोस्तों। दोनों ही टीम अपनी एक एक अच्छी सीरीज़ खेलकर आ रही हैं। और इंडिया की अगर बात कर लूँ तो इंडिया ने लास्ट टूर अभी ऑस्ट्रेलिया का किया है। 4 टेस्ट मैच की सीरीज़ थी जिसमें से 2 इंडिया ने जीत ली, एक हारी और एक ड्रॉ हुई दोस्तों। लगभग सीरीज इंडिया जीतकर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। वहीं पर इंग्लैंड की अगर मैं बात कर लूँ तो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को हराकर आ रही है 2-0 से दोस्तों। तो दोनों काफ़ी पॉजिटिव है और इंडिया को प्लस पॉइंट ये है कि वो अपने घर में खेल रहा है। और मैं बता दूं लगभग 8 से 10 मैच कंसेक्यूटिव विनिंग का अच्छा खासा स्ट्रिक बना हुआ है इंडिया का। अभी तक इंडिया के अंदर 8 मैच आई थिंक हो गए हैं टेस्ट मैच और एक भी नहीं हारा है दोस्तों। ये काफ़ी अच्छी स्ट्रीक है और उम्मीद रहेगी कि ये स्ट्रीक आगे भी बनी रहे जीत का दोस्तों, जीत का सिलसिला इंडिया के अंदर भी बना रहे दोस्तों। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपको मिलने वाली है दोस्तों। अगर वीडियो को आप स्किप करके देख रहे हैं और कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज़ रिवाइंड करके अच्छे से आप सुन लीजिएगा मैंने क्या क्या पॉइंट बताए हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड मुकाबले की। लास्ट 5 मैच की अगर बात कर लूँ हेड टू हेड में तो इंग्लैंड का दबदबा यहाँ पर थोड़ा भारी रहा है। लास्ट 5 टेस्ट मैच की अगर मैं बात कर लूँ तो इंडिया ने सिर्फ 1 ही जीता है और इंग्लैंड ने 4 जीता हुआ है दोस्तों। लगभग 2018 में टूर किया था इंग्लैंड का तो इंग्लैंड जीत गया था और इंडिया हारा था। और बात कर लेते हैं आगे और बात कर लेते हैं यहाँ पर इंग्लैंड के स्क्वाड की और प्लेइंग 11 कैसी क्या रहने वाली है।
रिसेंट फॉर्म प्लेयर का कैसा है और करियर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, सारा डिटेल यहाँ पर मैंने दिया हुआ है दोस्तों। आराम से आप देख लीजिएगा, एनालाइज आप कर सकते हो वीडियो के अंदर ही, आराम से आपको अच्छे अच्छे प्लेयर मिल जाएंगे और कन्फ्यूजन आपको कुछ भी नहीं रहेगा ग्रैंड लीग खेलने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं, प्लेइंग 11 पर नज़र डाल देते हैं। रोरी बर्न्स का कमबैक हुआ है और उम्मीद करते हैं अगेन ये ओपन ही करेंगे। इनके साथ में ओपन करने के लिए दो दावेदार है, एक डॉम सिबली है और दूसरे हैं जैक क्रॉली दोस्तों। दोनों में से कौन ओपन करेगा ये असमंजस है, क्लियर नहीं है, बट आई होप जहां तक कयास लगा रहे हैं उम्मीदें लगी है कि डॉम सिबली ही ओपन करेंगे, उसके साथ में आएंगे जैक क्रोली, वन डाउन आएंगे दोस्तों। उसके बाद में आएंगे लगभग जॉय रूट, उसके बाद में आएंगे जॉय रूट का आप रिसेंट परफॉर्मेंस भी यहाँ पर देख सकते हो, लगभग श्रीलंका के सामने जो लास्ट सीरीज हुई थी कैसा उनका परफॉर्मेंस है यहाँ पर लिखा हुआ है, और लगभग करियर भी उनका आप देख सकते हो 99 मैच टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस है उनको, बॉलिंग से भी 31 विकेट भी ले चुके हैं, टोटल 8000 रन मार चुके हैं, 254 का बेस्ट स्कोर भी हाईएस्ट उनका है दोस्तों। तो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, मैं बड़ा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ इसलिए आपको जल्द से जल्द ये चीज़ें पॉइंट कवर कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद में आएंगे बेन स्टोक, ऑलराउंडर है, बॉलिंग से भी इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है और रहता है, आईपीएल भी खेले हैं यहाँ पर और ग्राउंड पर भी ये मैच खेल चुके हैं यहाँ पर, तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो प्लेयर यहाँ पर आईपीएल खेले हुए हैं उनको थोड़ा बेनिफिट रहेगा इंडियन इन्वायरमेंट का और इंडियन, तो यहाँ पर उनको अच्छी खासी हेल्प मिल सकती है और थोड़ा बहुत तो वो वाकिफ होंगे यहाँ पर पिच से भी। बेन स्टोक की अगर की बात कर लूँ तो ये रिसेंट फॉर्म उतना खास नहीं है और बॉलिंग से भी आप देख सकते हो कुछ कम ही मैच खेली हुई है। उसके बाद में आएंगे यहाँ पर जॉस बटलर, जॉस बटलर भी इम्पोर्टेंट पिक रहेंगे क्योंकि इंडिया यहाँ पर ये इंडिया में भी ये खेलते हैं आईपीएल वगैरह, तो अच्छा खासा इनको भी एक्सपीरियंस है इंडिया में खेलने का, तो इम्पोर्टेंट पिक रहेंगे और अच्छे रन ये भी मारते हुए नज़र आपको आएंगे दोस्तों। उसके बाद में जॉर्ज बटलर के बाद में आ सकते हैं मोइन अली। मोइन अली का लास्ट सीरीज में इंडिया के अगेंस्ट में विकेट अच्छी ली थी दोस्तों, जिसकी वजह से इनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है खेलने की दोस्तों। अगर ये नहीं खेलते हैं तो इसके बदली आपको नज़र आएंगे डॉम बेज भी खेलते हुए नज़र आ सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ऐसे मैं बता दूँ डॉम बेज भी ऑलराउंडर है और मोइन अली भी ऑलराउंडर है, बट मोइन अली को 60 मैच का एक्सपीरियंस है और डॉम बेस को 12 से 20 मैच का ही एक्सपीरियंस है दोस्तों। अब इसके बाद बात करूं मोइन अली के बाद स्टॉट ब्रॉड है दोस्तों, आप यहां पर लगभग देख सकते हो 144 मैच का एक्सपीरियंस है, खेल चुके हैं, 169 रन भी मारा है इन्होंने दोस्तों, और यहां पर देख सकते हो विकेट 517 विकेट ये ले चुके हैं दोस्तों 144 मैच में स्टॉट ब्रॉड ने दोस्तों। इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे और इंडिया के अंदर कैसा परफॉर्मेंस करते हैं देखने वाली बात होगी दोस्तों। उसके बाद में जो नाम आ रहा है जेम्स एंडरसन का, जेम एंडरसन ने काफ़ी परेशान किया है इस रोहित शर्मा को भी और विराट कोहली को भी, और विराट कोहली ने इनको रन भी मारे हैं, ऐसा नहीं है कि परेशानी हुई है, रन भी बहुत अच्छे और तगड़े मारे हुए हैं। एक्सपीरियंस की बात कर लूँ तो यहाँ पर 157 मैच इन्होंने खेली है, लगभग 606 विकेट ये ले चुके हैं दोस्तों, काबिले तारीफ ये आंकड़े हैं दोस्तों, और उम्मीद करते हैं यहाँ पर इंडिया में भी इनका परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा रहेगा जितना ये लास्ट श्रीलंका में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आए हैं दोस्तों। उसके बाद बात करूं जोफ्रा आर्चर भी इंडियन एनवायरनमेंट से वाकिफ़ है, आईपीएल ये खेल कर गए हैं, तो इनको भी ज़रूर ये भी टीम में नज़र आएंगे खेलते हुए, और इनकी अगर बात कर लूँ परफॉर्मेंस की और करियर की तो यहाँ पर 11 मैच इन्होंने अभी तक टेस्ट खेली है जिसके अंदर 38 विकेट ये ले चुके हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं जैक लीच की, जैक लीच है और यहाँ पर जो स्पिन स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कर लेते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, 12 मैच में 44 विकेट ये ले चुके हैं, 150 भी लगा चुके हैं दोस्तों, तो लगभग ये प्लेइंग 11 इनकी ये नज़र आ रही है। उसके अलावा बेंच की अगर बात कर लूँ इंग्लैंड की तो यहाँ पर क्रिस वॉक्स भी है और ओली स्टोन भी है, और इसके अलावा डेन लॉरेंस के अलावा डॉम बेस भी है, जैसा कि मैंने बताया मोइन अली की जगह पर भी डॉम बेस खेल सकते हैं, और फिर एक लास्ट प्लेयर है बेन फॉक्स। लगभग 16 प्लेयरों का इनका स्क्वाड शो किया हुआ है पहले टू टेस्ट के लिए,
आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं क्या है इंडिया का प्लेइंग 11, जो काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे ऐसे नाम भी बताए जा रहे हैं जो कि शायद खेले भी, जैसे कि हार्दिक पांड्या हो गए और मोहम्मद सिराज खेलते हैं कि कुलदीप यादव खेलते हैं, क्या इंडिया दो फास्टर के साथ ही जाएगी कि तीन स्पिनर के साथ जाएगी, क्योंकि जो ग्राउंड है वो जाहिर सी बात है स्पिनरों के लिए हेल्प करता है, तो क्या इंडिया की टीम हैवी स्पिनर से जाएगी या क्या जाएगी, जैसा कि हर बार की तरह होता ही है कि इंडिया में कुछ क्लियर नहीं होता, बस एंड मोमेंट ये सस्पेंस बनाकर ही रखते हैं न्यूज़, ताकि न्यूज़ बनी रहे और लोग कन्फ्यूज रहे। जैसा कि हम जानते हैं फैंटासी दुनिया का बूम इंडिया में बहुत है, तो लगभग इसके लिए वो एक हर 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 प्लेयर का एक अपना अपना फैंटेसी ऐप है दोस्तों, ये बात याद में रखिए। केएल राहुल भी है, धोनी है, सौरव गांगुली है, अपना एमपीएल संभालते हैं विराट कोहली, गौतम गंभीर का है, फिर कुलदीप यादव का अलग ऐप है, तो हर किसी का अपना अपना एक फैंटेसी दुनिया का ऐप है, तो ये जल्दी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसे रखते ही है ताकि प्लेयर कंफ्यूज रहे और एम मोमेंट पे कुछ ना कुछ ये लाइनअप शो करेंगे दोस्तों। और चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडिया के बारे में। इंडिया के जैसे कि शुभमन गिल का परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत अच्छा रहा था, तो जाहिर सी बात है ये एक ही दावेदार जो पक्के नज़र आ रहे हैं ओपनिंग करते हुए रोहित शर्मा के साथ, नो डाउट है यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। करियर बेस इनका परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, 3 मैच ही टेस्ट मैच खेले हैं बट परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, 250 लगा भी दिए हैं दोस्तों। ओके, उसके बाद में बात कर लूँ तो यहाँ पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग यहाँ पर 6 इनिंग का इनका परफॉर्मेंस है। रोहित शर्मा बड़ा नाम है, फिलहाल फॉर्म में नहीं है बट उम्मीद करते हैं इंडिया के अंदर कुछ अच्छा करते हुए नज़र आएंगे और जिम्मेदारी वाली पारी खेलते हुए नज़र आएंगे, हो सकता है 200 रन भी पहले ही मैच में वो मारते दोस्तों। बैटिंग फ्रेंडली टैग है, फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग में तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी होती है, अगर ये थोड़ा देर खड़े रह गए तो आराम से बहुत बड़े रन ये रोहित शर्मा मार देंगे दोस्तों। रिसेंट फॉर्म आप देख लीजिए और करियर परफॉर्मेंस भी इनका मैंने यहाँ पर बता दिया, आप देख लीजिएगा अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। उसके बाद में बात कर लूँ तो आएंगे वन डाउन चेतेश्वर पुजारा, द वॉल है फिलहाल अभी के टाइम के राहुल द्रविड़ के बाद जो एक दूसरी वॉल है जो चेतेश्वर पुजारा ही है जो खड़े रहते हैं पिच के ऊपर और काफ़ी ज़रूरी भी होता है, टेस्ट एकदम टेस्ट प्लेयर है, बहुत मज़ा आता है और ये रन मारे के नहीं मारे पर टेस्ट में खड़े रहना ही वही एक सबसे बड़ा टेस्ट होता है, तो मैं तो इनको वॉल मानता हूँ और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। फिलहाल 81 मैच का इनको टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस है, 6000 प्लस रन मार चुके हैं और 206 एक बार लगाया है, नॉट आउट रहे हैं, लगभग 18 सेंचुरी मार चुके हैं, 28-50 भी लगाई हुई है दोस्तों। रिसेंट फॉर्म इनका आप देख सकते हो मीनिंग में क्या किया है इन्होंने। विराट कोहली अगेन एक बहुत बड़ा नाम है बट मैं एक चीज़ बता दूँ, लास्ट 30 इनिंग्स इन्होंने जो खेली है उसके अंदर एक भी 100 नहीं आया दोस्तों, बहुत ही बड़ी बात है और विराट खुद भी ये बहुत टेंशन में होंगे कि लास्ट 30 इनिंग में उन्होंने एक भी सेंचुरी नहीं लगाई है, तो वो भी यही कोशिश करेंगे कि बस इस ग्राउंड के अंदर तो कम से कम वो 150 या 200 तो मार ही दे, ताकि एक बहुत बड़ा प्रेशर उनके सर से बोझ हल्का हो जाए दोस्तों। रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो T20s वगैरह में तो काफ़ी 50s वगैरह तो उनकी आई है बट कुछ एक बड़ा स्कोर नहीं देखने को मिला है, फिलहाल 100 उनकी देखने को नहीं मिली है लास्ट 30 इनिंग के अंदर। उसके बाद में आएंगे अजिंक्य रहाणे, अजिंक्य रहाणे की बात कर लूँ तो कप्तानी दी गई थी और इनकी कप्तानी में ही गावस्कर ट्रॉफी हमने जीती, वो यही जो यही कहते हैं कि अपना आप बेस्ट दो जब आप ग्राउंड में उतरते हो बस उतना ही काफ़ी होता है, तो काफ़ी कप्तानी में इनकी जीतने को भी जीत भी हमें हासिल हुई और बहुत अच्छी कप्तानी की इन्होंने। अब यहाँ पर ये रोहित विराट कोहली के आने के बाद वाइस कैप्टेंसी करेंगे दोस्तों। करियर परफॉर्मेंस आप इनका देख लीजिए, रिसेंट मैच परफॉर्मेंस भी आप इनका देख लीजिए, यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। उसके बाद में आएंगे ऋषभ पंत, द हीरो ऑफ द लास्ट सीरीज, क्या मैच जिताया था इन्होंने खड़े रहकर, काबिले तारीफ था, काफ़ी वाहवाही बटोरी इन्होंने और बनती भी है बहुत ही, मतलब 30 से 32 साल बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराया और सीरीज़ जीती और यादगार और एक हिस्टोरिक विन रहा था वो जो हमें
मिला है ऋषभ पंत की वजह से। ओवरऑल सबका परफॉर्मेंस था अच्छा, टीम वर्क था, बट इन एंड मोमेंट पर थोड़ा सा क्रेडिट इनको ज़्यादा जाता है क्योंकि खड़े रहकर इन्होंने मैच जिताया है दोस्तों, इसीलिए ऋषभ पंत को शाबाशी तो मिलनी ही चाहिए। यहाँ पर बात कर ली ऋषभ पंत की, तो 200 इन्होंने लगाई है और 450 भी लगाई हुई है दोस्तों। रिसेंट फॉर्म भी आप इनका देख सकते हो, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही ये सारी पारी आई है इनकी टेस्ट के अंदर। उसके बाद में रविचंद्रन अश्विन, रविचंद्रन अश्विन का मैं पहले ही बता दूँ, इंग्लैंड के सामने उतनी विकेट इन्होंने नहीं ली है जितनी विकेट इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने ली है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और बट बड़े बॉलर हैं, इंडिया के अंदर ही खेल रहे हैं और इंडिया के अंदर तो ज़रूर ये और ज़्यादा घातक बॉलिंग कर सकते हैं जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस होगा। हालांकि बैटिंग से भी 400 लगा चुके हैं और 1150 भी इन्होंने मारी हुई है दोस्तों। रिसेंट परफॉर्मेंस भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद में एक नया नाम यहाँ पर ऐड हुआ है टीम के अंदर, वॉशिंगटन सुंदर का, जो स्पिन डिपार्टमेंट तो संभालेंगे ही, साथ में बैटिंग भी ये कुछ हद तक कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी दावेदारी बढ़ रही है। अदरवाइज इनकी जगह पर मैं बता दूँ कुलदीप यादव भी आ सकते हैं या हार्दिक पांड्या भी आ सकते हैं दोस्तों। ये दो नाम है, आप ध्यान में रखिएगा, ये दो नाम आप लिख के भी रख लीजिएगा, ये दोनों में से कोई भी आ सकता है दोस्तों। और अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो ये सारे प्लेयर लेके रख लीजिएगा, एंड मोमेंट पे कुछ चेंजेस आता है तो आपको एक दो चेंजेस करनी पड़ सकती है, अदरवाइज जो मैं बता रहा हूँ सारे प्लेयर वही खेलेंगे दोस्तों। उसके बाद में अगर मैं बता दूँ, हालांकि पहला ही टेस्ट खेला था, पहले ही टेस्ट में 50 मारी है वॉशिंगटन सुंदर ने दोस्तों, काफ़ी अच्छी बात है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर विकेट भी लेते हुए नज़र आए थे, 3 विकेट ली 1 विकेट ली, बॉलिंग से भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था उनका। उसके बाद में जसमीत बुमराह, इंजरी के बाद कमबैक इनकी हो रही है, अब ये पूरी तरीके से फिट है कि नहीं है इसके ऊपर सवालिया निशान है दोस्तों। अभी देखा जा रहा है कि अभी ये खेलते हैं या फिर अपने शार्दुल ठाकुर खेलते हैं या फिर कौन खेलता है, ये देखने वाली बात होगी। मेरे ख्याल से तो जसमीत बुमराह ही खेलना चाहिए और वो शायद वही खेलेंगे भी। उसके बाद में आएंगे मोहम्मद सिराज, मोहम्मद सिराज का भी अच्छा योगदान रहा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यंग टैलेंट, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया वो, अपनी वो जो भी परफॉर्मेंस थी अपने डेट को डेडिकेट की, तो बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लगता है कि कोई इस तरीके से परफॉर्मेंस देता है और मज़ा आती है जब टीम इंडिया जीतती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ईशांत शर्मा का भी, यहाँ पर काफ़ी टाइम के बाद कमबैक हो रहा है इंजरी के बाद, ये भी जूझ कर आ रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी कुछ विकेटें लेते हुए ये नज़र तो ज़रूर आए ही हैं, बट हो सकता है कि अभी जो ऐसा इनका पहला परफॉर्मेंस छोड़ कर गए थे उसी तरीके से घातक बॉलिंग करते हुए यहाँ पर इंग्लैंड के सामने भी आपको नज़र आ सकते हैं और इम्पोर्टेंट पिक रहेंगे ग्रैंड लीग के हिसाब से भी दोस्तों। रिसेंट फॉर्म और इनका आप देख लीजिए, यहाँ पर सब कुछ नोट डाउन किया हुआ है दोस्तों। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर बेंच की। बेंच के ऊपर आपको दिखेंगे मयंक अग्रवाल और कुलदीप यादव, उसके अलावा आप दिखेंगे हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल का भी नाम थोड़ा बहुत आ रहा है कि खेल सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि उनको मौका मिलेगा। केएल राहुल है और रिद्धिमान शाह है दोस्तों, ये कुछ प्लेयर है, जैसे शार्दुल ठाकुर भी है, और ये कुछ प्लेयर थे जो पॉसिबिलिटी है जिनके खेलने की। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं टॉप पिक की, मस्ट पिक की। इंग्लैंड की तरफ से टॉप पिक की अगर बात कर लूँ तो सबसे पहला नाम जॉय रूट का ही आता है, कंटिन्यू वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं और एग्जाम्पल बने हुए हैं पूरी टीम के लिए इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि वो अकेले ही ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं दोस्तों और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं अपनी टीम के अंदर। उसके बाद में है जॉस बटलर, जॉस बटलर यहाँ पर टॉप पिक में इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि वो विकेट कीपिंग भी करेंगे और इंडिया के अंदर उनको अच्छा एक्सपीरियंस है खेलने का दोस्तों, इसीलिए वो टॉप पिक में आ रहे हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड है और बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस इनकी रिसेंट में थी और कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, इसीलिए स्टुअर्ट ब्रॉड लिस्ट में टॉप पिक में आ रहे हैं और ये बैटिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूट कभी कभार कर लेते हैं दोस्तों। बात कर ले इंडिया की तरफ से टॉप पिक, तो आर अश्विन है, विराट कोहली है, चेतेश्वर पुजारा है जो टॉप पिक में आ रहे हैं दोस्तों।
उसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन के सिलेक्शन की। दोस्तों कैप्टनसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जॉय रूट और विराट कोहली अच्छे कैप्टन सी के लिए ऑप्शन है दोस्तों, स्मॉल लीग और हेड टू हेड टीम के लिए। वाइस कैप्टनसी में अगर जाना है आपको तो बेन स्टोक में भी जा सकते हो, रविचंद्र अश्विन पर भी जा सकते हो, रहाणे पर जा सकते हो, जॉस बटलर पर जा सकते हो और पुजारा पर भी जा सकते हो दोस्तों। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके ऊपर जाना है। मेरे हिसाब से जो बेस्ट है मैंने यहाँ पर लिख दिए हुए हैं, बाकी आपकी मर्जी। अब मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हेड टू हेड की टीम। दो ऑप्शन में हेड टू हेड के आपको देने वाला हूँ। चलिए डिस्कस कर लेते हैं पहले टीम की। पहले टीम में आपको अगर देखेंगे तो मैंने कैप्टानी दी है विराट कोहली को, पहले बैटिंग करती है तो रोहित शर्मा को भी मैं कैप्टनसी दे सकता हूँ अगर पहले बैटिंग करती है तो, बट फिलहाल सेफ टीम के हिसाब से मैंने यहाँ पर सीवीसी बनाए हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने लगभग एक स्पिनर कवर किया है, जोफ्रा आर्चर को लिया है क्योंकि यहाँ पर इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस है, आईपीएल वगैरह भी खेलते हैं, बेन स्टोक भी है, जॉय रूट और फॉर्म अच्छा चल रहा है, जॉस बटलर अगेन इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस है और इसीलिए और इंडिया के सामने अच्छा खेलते भी है इसीलिए मैंने लिया हुआ है दोस्तों। बॉलिंग से अगर बात कर लूँ तो एक स्पिनर इंडिया का मैंने कवर किया है अश्विन को और दो फास्टर कवर किए हैं ईशांत शर्मा और जे जसमीत बुमराह को। आप यहाँ पर किसी मोहम्मद सिराज को भी ले सकते हो, अब डिपेंड करता है कि दोनों में से आपको किस बॉलर के जाना है, ईशांत में जाना है या बुमराह में जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा ऑप्शन मैं अपनी टीम का बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने ऋषभ पंत को भी कवर किया हुआ है और जोस बटलर को भी रखा हुआ है और यहाँ पर जॉय रूट को कैप्टनसी दी है मैंने फर्स्ट इनिंग के हिसाब से और विराट कोहली को वीसी रखा हुआ है। वीसी आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा कि मैंने बताया ऑप्शन आपके पास भी बहुत है। यहाँ पर शुभमन गिल की जगह आप पुजारा को भी ले सकते हो, रहाणा को भी ले सकते हो, रोहित शर्मा को मत छोड़िएगा। बेन स्टोक यहाँ पर रहेंगे और यहाँ पर जेम्स एंडरसन को मैंने लिया हुआ है, हो सकता है वो मुश्किल डाल सकते हैं विराट कोहली को भी, रोहित शर्मा को भी और शुभमन गिल को भी। जोफ्रा आर्चर हमेशा से अच्छे बॉलर रहे हैं और विकेट टेकिंग बॉलर हैं और यहाँ से मोहम्मद सिराज को मैंने मौका दिया हुआ है, क्रेडिट इशू की वजह से ये बैलेंस टीम बनाई है दोस्तों मैंने। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे क्या होंगे ग्रैंड लीग के लिए सीवीसी ऑप्शन। अगर आप मल्टीपल टीम से खेलते हैं तो आपके लिए मैं बता दूं, इंग्लैंड फेवरेट अगर आप जा रहे हैं तो जॉय रूट, जॉस बटलर वगैरह के बहुत अच्छे ऑप्शन है सीवीसी के लिए। उसके बाद में बेन स्टोक के लिए के ऊपर भी आप सी का दाव खेल सकते हो क्योंकि बॉलिंग भी आपको कुछ ओवर करते हुए नज़र आ सकते हैं और यहाँ पर आपको बैटिंग से भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए ये नज़र आ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में मेन बॉलर है जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड और जोफ्रा आर्चर जो कि विकेट लेते हुए नजर आ सकते हैं और पॉइंट्स आपको देते हुए नजर आ सकते हैं दोस्तों। अब इंडिया की तरफ से आपको कुछ पिक चाहिए और इंडिया फेवरेट आप बना रहे हो तो जाहिर सी बात है पहले नंबर पर तो नाम आता है विराट कोहली का, फिर उसके बाद में रोहित शर्मा का भी है और अजिंक्य रहाणे है, चेतेश्वर पुजारा है, बहुत सारे नाम है और टेस्ट के अंदर तो बैट्समैन के ऊपर ही सीवीसी जाना काफ़ी अच्छा रहता है। सी का अगर आप रिस्क लेते हो तो ऐसे प्लेयरों पर लीजिए तो 150 से 200 से 250 रन मारने की काबिलियत रखते हो और इनका रिसेंट फॉर्म भी अच्छा हो दोस्तों। तो इंडिया की तरफ से आप जा रहे हैं तो यहाँ पर मैंने बताया है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन से रहेंगे दोस्तों। आई होप आपको सारा चीज़ें समझ में आ गई होगी और इस वीडियो में अगर आपको कुछ कमी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उम्मीद करता हूँ कि आप ग्रैंड लीग ज़रूर जीतोगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।